हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल रिंकू। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा SBI की चेकबुक ऑर्डर कैसे करें घर बैठे ऑनलाइन। तो दोस्तों, उसके लिए हमें नेट बैंकिंग की ज़रूरत होगी। चाहे तो आप ऑनलाइन SBI पे जाके भी कर सकते हैं या फिर योनो द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं योनो के द्वारा करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले योनो को ओपन करना होगा। योनो को ओपन करने के बाद थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, तो दोस्तों देखिए, योनो ओपन होने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन का और बैलेंस का और क्विक पे का। तो लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपको एक यूजर आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, तो दोस्तों मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ एक बार आपको दोबारा से। लॉगिन होते ही सिंपली इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, उस पर आपने थोड़ा स्वाइप अप करना है। जैसे ही आप स्वाइप अप करोगे, उसके बाद आपको दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट, तो उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेकबुक का, चेक नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट चेक बुक, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट, उस पर क्लिक करना। उसके बाद अकाउंट ऑटोमेटिक उठा लेता है, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये पूछता है नंबर ऑफ लीव, आपने कितने पेजों की चाहिए, जो चेक बुक है 10 की, 25 की या 100 से। तो मैं 10 की करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो 100 पेजों की भी मंगा सकते हैं। उसके बाद कुछ कंडीशन होती है, उसको एक्सेप्ट करना है। आप चाहे तो चार्ज और भी देख सकते हैं इसके, और एप्लीकेबल हैं या नहीं है आप तो देख सकते हैं। 10 पेजों की जो चेकबुक है, उस पर 40 रुपये और प्लस GST, और 25 पेजों की तो 75 रुपये प्लस GST, और ऐसे ही और भी हैं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे डिलीवरी एड्रेस पूछता है। अगर आप चाहे तो रजिस्टर एड्रेस, जो आपके अकाउंट में जो रजिस्टर एड्रेस है, उस पर मंगा सकते हैं, या आपने जो न्यू एड्रेस भरना चाहते हैं तो न्यू एड्रेस भर सकते हैं, या जहाँ लास्ट में आपने चेकबुक या ATM मंगाया वो एड्रेस भी आप दे सकते हैं। जैसे ही रजिस्टर एड्रेस पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद आपने नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद कन्फर्म, आपकी जो चेकबुक है की जो रिक्वेस्ट है वो डल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।